दोस्तों, आज तक आपने दुनिया के सबसे बड़े महंगे फोन, सबसे महंगे घर और सबसे महंगी गाड़ियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे महंगे फलों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपके हिसाब से सबसे महंगा फल कौन सा होगा? ड्रैगन फ्रूट। वैसे हम में से ज्यादातर आम भारतीय 400 से 500 रुपए किलो से ज्यादा महंगे फल नहीं खरीदते, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक दो खरबूजों की कीमत 20 लाख तक भी हो सकती है? तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे फलों के बारे में बताएंगे जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इनकी कीमत को देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और आप और हम जैसे लोग तो इन्हें बिल्कुल नहीं खरीद सकते। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऐसी वीडियो आपने YouTube पर पहले कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। तो है सबसे पहले ब्लैक डायमंड एप्पल। सेब एक ऐसा फल है जो कि पौष्टिक और फायदेमंद माना जाता है। भारत में सेब सबसे ज्यादा कश्मीर में पाए जाते हैं। ये गहरे कत्थई और हरे रंग के होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी काले रंग का सेब देखा है? जी हाँ, एक सेब ऐसा भी है जो काले और गहरे बैंगनी रंग का होता है। इस सेब के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। काले रंग के इस सेब को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। इसके बागान तिब्बत की पहाड़ियों पर हैं। इसे रेड डिलीशियस नाम से भी जाना जाता है। इस सेब की सबसे ज्यादा खपत तिब्बत के आसपास के देशों में होती है। तिब्बत के नाइंगची क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर होता है। दिन में सेब के पेड़ को सूरज की भरपूर रोशनी मिलती है, इसके वजह से इनका लाल रंग काला और गहरा बैंगनी हो जाता है। ये ब्लैक डायमंड गुआंजो और शेंजेन के सुपरमार्केट्स में खूब बिकता है। इसे आमतौर पर गिफ्ट पैक में बेचा जाता है। इसके एक पैकेट में 6 सेब होते हैं और इस एक पैकेट की कीमत करीब करीब 3000 रुपए तक होती है, यानी कि एक सेब की कीमत तकरीबन 500 रुपए होती है। अब है डेपोकॉन साइट्रस। संतरे वैसे तो सभी जगह मिल जाते हैं, लेकिन कई जगह संतरे बहुत बढ़िया होते हैं और कई जगह ये अच्छे नहीं होते। और यदि आपको संतरे खाने का शौक है तो आप जापान के डेपोकॉन साइट्रस भी खा कर देखिए। वो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट संतरा है। इसकी खास बात तो ये है कि अंदर से उसके अलग अलग पार्ट नहीं होते। ये संतरे सिर्फ जापान में ही पाए जाते हैं, बाहर कहीं एक्सपोर्ट नहीं किए जाते। तो यदि आपको इन्हें खाना है तो आपको जापान ही जाना पड़ेगा। ये संतरा देखने में तो आम संतरे की तरह दिखता है, पर इनका ऊपर का भाग सूजा हुआ होता है और इसकी 6 संतरों की कीमत $80 यानी कि 5,885 रुपए है। बुद्धा शेप्ड पियर्स। आपने फिल्म चांदनी चौक टू चाइना तो जरूर देखी होगी, तो फिर उसका वो सीन भी याद होगा जिसमें अक्षय कुमार को एक आलू में गणेश भगवान की झलक दिखती है। लेकिन चीन में एक किसान ने इस प्रकार के नाशपाती यानी बेबी पियर्स अपने खेतों में उगाए हैं, जिनमें लाफिंग बुद्धा की आकृति नजर आती है। अपनी इसी खासियत की वजह से ये नाशपाती पूरे एशियाई महाद्वीप में चर्चा का विषय बन गई है। लोग इसे पहली बार देखकर अचरज में पड़ रहे थे कि इन्हें खाया कैसे जा सकता है या फिर नहीं। दरअसल इन नाशपतियों को बेहतर भविष्य के इरादे से लाफिंग बुद्धा के सांचे में डालकर तैयार किया गया है। गाओ जियाझांग ने साल 2009 में इन नाशपतियों को अपने खेतों में उगाया था। इस पर पीपल्स डेली ऑनलाइन की एक रिपोर्ट भी तैयार की थी। इस तरह के अद्भुत नाशपतियों को अपने खेत में उगाने के लिए गाओ ने 6 साल कड़ी मेहनत की। बीते कुछ सालों से गाओ चीन में काफी मशहूर हो चुके हैं। वे अब वियतनाम में एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ गए हैं। इससे पहले बीते साल दिसंबर में उन्होंने स्थानीय बाजार में अपने नाशपतियों को बेचना शुरू कर दिया था। इस फल की कीमत $9 यानी कि 662 रुपए है। ताइयो नो तामागो मंगोस। आम का सीजन आते ही लोग आम का जमकर स्वाद चखते हैं। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। वैसे तो भारत में हापुस, दशहरी और चौसा जैसी आम की किस्मों की पसंद की जाती है, जो किफायती दाम में बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध होते हैं। लेकिन आपको शायद ही ये पता हो कि दुनिया के सबसे महंगे आम को जापान के मियाजाकी प्रांत में उगाया जाता है। यहाँ हर साल सबसे पहले उगाए गए इस खास और महंगे आम की बोली लगाई जाती है। इस आम को खरीदने में बड़े से बड़े अमीरों के पसीने छूट जाते हैं। ताइयो नो तामागो ये आम की एक ऐसी ब्रिड है जो दुनिया में सबसे महंगी है। इनका रंग हल्का लाल होता है,
साल 2017 में इस आम के एक जोड़े की बोली लगाई गई थी, जिसमें इन्हें $3600 यानी 2,70,000 रुपयों में बेचा गया, जो कि अब तक सबसे हाईएस्ट प्राइस थी। सेम्बिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरी वैसे तो महंगी ही होती है, क्योंकि ये अलग अलग ब्रांड की भी आती है और ये हमारे बाजारों में भी महंगे पैकेट में मिलती है। स्ट्रॉबेरी के ज्यादा कॉस्टली होने का एक और कारण ये है कि ये दुनिया के काफी बड़े बड़े देशों के अंदर आसानी से नहीं मिल पाती। साथ ही इन्हें तैयार करने की लागत बहुत ज्यादा है और इन्हें तैयार होने में समय भी ज्यादा लगता है। पर सेम्बिकिया क्वीन स्ट्रॉबेरी कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि इन्हें नेचुरली अलग तरह से तैयार किया जाता है। ये कई दिनों तक स्टोर कर रखी जा सकती है। ये स्ट्रॉबेरीज गहरे लाल रंग की होती है और इनकी ऊपर की स्किन बहुत शाइनी होती है, और ये नॉर्मल स्ट्रॉबेरीज के मुकाबले बड़ी होती हैं। जापान में इसे खासतौर पर गिफ्ट में दिया जाता है। ये स्ट्रॉबेरी एक पैकेट में करीब 12 आती है और इस पैकेट की कीमत 6,255 रुपए होती है, यानी एक स्ट्रॉबेरी की कीमत 520 रुपए होती है। रूबी रोमन ग्रेप्स। जापान में इन खास प्रजाति के अंगूरों की कीमत सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। रूबी रोमन नाम की प्रजाति के अंगूर के एक गुच्छे को नीलामी में तकरीबन 8,00,000 रुपयों में बेचा गया था। जापान में अंगूर की ये प्रजाति महंगे फलों के तौर पर जानी जाती है। इन अंगूरों की महंगी कीमत के पीछे भी एक मजेदार वजह है। दरअसल अंगूर की इस प्रजाति को सरकार ने 12 साल पहले तैयार किया था। ये स्वाद में काफी मीठे और रसदार होते हैं। एक अंगूर का वजन 20 ग्राम के आसपास होता है। खास प्रजाति के होने की वजह से इन अंगूरों की मांग और कीमत बढ़ती गई, इसीलिए ये अंगूर जापान में लग्जरी फलों के तौर पर फेमस है। जापान की हायुराकुसो नाम की कंपनी ने रूबी रोमन अंगूरों को थोक के बाजार से खरीद कर नीलामी की। कंपनी के मुताबिक रूबी रोमन प्रजाति का ये अब तक का सबसे महंगा बिकने वाला गुच्छा है। डिमांड को बनाए रखने के लिए बहुत ही कम बाजार में बिकने के लिए आते हैं। रूबी रोमन अंगूरों को जापान में लोग गिफ्ट या बधाई के तौर पर एक दूसरे को देते हैं। पाइनएप्पल्स फ्रॉम लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन। ये पाइनएप्पल दुनिया के सबसे महंगे फलों में से एक है। इन अनानासों की खेती इंग्लैंड में की जाती है। इन अनानासों की खेती बड़ी सावधानी से 50 से भी ज्यादा किसानों द्वारा ग्रीन हाउस में की जाती है। इस खेती के लिए घोड़े की खाद और भूसे का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें इंग्लैंड के लॉस्ट गार्डन ऑफ हेलिगन में उगाया जाता है। इस एक अनानास की कीमत तकरीबन $1,600 यानी लगभग 1,00,000 रुपए होती है। इन पाइनएप्पल को बनने में लगभग 2 साल का समय लगता है। ये पाइनएप्पल बिल्कुल पीले रंग के होते हैं और इन्हें बनाने के लिए स्पेशल ग्रीन हाउस बनाने पड़ते हैं, इसीलिए ये पाइनएप्पल 1,00,000 तक बिकते हैं। स्क्वायर वाटरमेलन। दरअसल जापान में गर्मियों के दिनों में सहकर्मियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को उपहार देने का ओकेजन मनाया जाता है। इसमें तरबूज का उपहार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जापान के कागवा के किसान तरबूजों को चौकोनी आकार देने के लिए कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। जब ये छोटे होते हैं तभी उन्हें एक चौकोने कंटेनर में रखा जाता है, जिससे ये बढ़ते समय अपने आप ही आकार ले ले। इन स्पेशल तरबूजों को रशिया एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसके लिए इन्हें पकने के ठीक पहले ही काटा जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर डेकोरेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि आम तरबूजों की तरह लाल और मीठे नहीं होते। हालांकि इन तरबूजों को खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक तरबूज के लिए आपको तकरीबन 45,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे, जो कि एक इंडियन तरबूज के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। अब है डेंसुक वाटरमेलन। ये तरबूज बहुत ही बड़े होते हैं। ये साधारण तरबूज से कहीं ज्यादा रसीले होते हैं, जिसकी वजह से ये कई दिनों तक खराब नहीं होते। डेंसुक के तरबूज को जापान में उगाया जाता है और ये तरबूज इतने बड़े होते हैं कि कभी कभी इनका वजन 10 किलो तक पहुंच जाता है। जान लीजिए, ये कोई आम तरबूज नहीं है जो हमारे बाजारों में मिलता है। ये जापान की तकनीक से उगाया हुआ एक अलग तरह का तरबूज है, जो बहुत ही स्वादिष्ट और पानी से भरपूर होता है। इस तरबूज की कीमत लगभग 4,50,000 रुपए है और ये सिर्फ जापान में ही अवेलेबल है। अगर आपको ये तरबूज खाना है तो आपको जापान में जाकर 4,50,000 रुपए खर्चने पड़ेंगे। और अंत में है युबारी मस्कमेलन। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो खरबूजे दिखाई दे रहे हैं, इन दो खरबूजों की कीमत लगभग 2,000,000 रुपए है। इन खरबूजों को यहाँ युबारी मेलन के नाम से जाना जाता है। अधिकारियों का इसके बारे में कहना है कि यहाँ नॉर्थ होक्काइडो में स्थित सापोरा सेंट्रल होलसेल मार्केट में युबारी खरबूजे की नीलामी हुई थी, जिसे यहाँ के एक स्थानीय फ्रूट्स पैकिंग फर्म ने सबसे महंगी बोली लगाकर खरीदा है। ये खरबूजे स्वाद में बेहद मीठे और रसीले होते हैं, साथ ही इनका शेप परफेक्ट होता है। अपनी कीमत के कारण जापान में युबारी खरबूजा इस कदर मशहूर है कि लोग इसे खास मौकों पर अपने परिजनों और दोस्तों को उपहार के रूप में भी भेंट करते हैं। यहां तक कि खास त्योहारों पर भी लोग एक दूसरे को युबारी खरबूजा उपहार में देते हैं।
जापान में ऐसे करना सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा को दर्शाता है, इसीलिए लोग इस पर विशेष ध्यान देते हैं। यही कारण है कि यहाँ लोगों में इस खरबूजे को खरीदने की चाह लगी रहती है। जापान में सारे फल इसीलिए इतने महंगे होते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि इन्हें उगाने में किसान को कई सालों की प्रैक्टिस और मेहनत लगती है, तब जाके वो परफेक्ट फल बनते हैं। इसीलिए वहाँ पर फलों की कीमत बाकी चीजों से ज्यादा होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन से फ्रूट्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और महंगे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज एक लाइक तो जरूर कीजिए और इसे शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।